वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आज हम उन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारी जो लाइन है, एल नाम दे दिया मैंने इसको, किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ये लाइन मैंने y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है, m मान लिया। इसकी इक्वेशन क्या होगी? अभी तक इन लाइंस जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल है, इनकी इक्वेशंस को डिस्कस नहीं किया है, नहीं हमने इनके ग्राफ को डिस्कस किया है। यहां पे हम इनकी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे और इनके ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। जो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन, और y एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है। अब x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जो x इक्वल टू 0 होती है वो y एक्सिस की इक्वेशन होती है। क्यों होती है? देखिए, y एक्सिस पर मान लो मैंने यहां पे पॉइंट लिया 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहां पे 1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 1, 0, 2, 0, 3। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर हमेशा 0 होता है। x क्या होता है y एक्सिस पर? 0। तो x इक्वल टू 0, y पर x क्या होता है? 0। और y इक्वल टू 0, ये तो समझ में आ ही जाएगा, इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। कोई भी लाइन, सपोज ये लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन क्या होगी? कितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से, कितनी दूर पे? 1, 2, 3, 4 है, तो वाई कितना यहां पे? 4। तो वाई इक्वल टू 4, इसकी इक्वेशन श्योर है वाई इक्वल टू 4 होगी। अगर 5 पे कर दें हम इसको, तो y is equal to 5। हमेशा y is equal to 6, y is equal to 3, y is equal to 1। और नीचे जाएंगे तो अगर नीचे लाइन है -1 है, तो y is equal to -1। तो यानी कि कहने का मतलब है y is equal to कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4। a मान लिया मैंने, a हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। y is equal to 2 is the equation of a line parallel to x-axis। मैंने लिखा है पैरेलल टू कोई भी आपसे पूछता है वाई इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा, तो आप वाई इक्वल टू 3, वाई 3 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, वाई 3 यहां पे है, वाई इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया था किसके पैरेलल आएगी, वाई इक्वल टू ए, ए हमारा यहां पे कितना हो गया, 3 हो गया, तो किसके पैरेलल आएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। और एक्स इक्वल टू b is the equation of a line parallel to y axis। For example, मैं draw करता हूं, ये line मैंने draw की y axis के parallel, m मान लिया, y axis है 1, 2, 3, 4। तो कितने distance पे है y axis से? 4 distance पे, 4 unit पे है, तो श्योर है इसकी जो इक्वेशन होगी यहां पे x कितना, 4 है ना। यहां पे कोई भी पॉइंट लेंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। जैसे मान लो यहां पे -1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 4 -1, और यहां पे -2 है तो 4 -2। यानी कि जो लाइंस y एक्सिस के पैरेलल होगी वहां पे x कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे कोई भी आपसे पूछता है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ तो किसके पैरेलल होगी? अगर x इज इक्वल टू है कुछ भी, अब 2 वेरिएबल्स में नहीं है, बनानी पड़ेगी हमें इसको, तो x इक्वल टू 2, तो यहां पे होता है मेरा 0, 1, 2, 2 है यहां पे, और अभी मैंने बताया y एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये आ जाएगा हमारा ग्राफ, ये किसका आ गया, x इक्वल टू 2 का ग्राफ आ जाएगा। इन शॉर्टकट में आपको बताया है। अब हम इन्हीं इक्वेशंस का ग्राफ
ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन इससे श्योर आता है, और इससे जो पहली हमने एक्सरसाइज की थी 4.3 उससे भी श्योर है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, इससे 3 या 4 मार्क्स का आ जाता है, 3 मार्क्स का तो श्योर है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है आपने। वन वेरिएबल में y = 3 आपको पता है वन वेरिएबल में है, और इसको हम टू वेरिएबल्स में भी लिख सकते हैं। 4.1 एक्सरसाइज में आपने सीखा वन वेरिएबल में। पहले देखिए वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल हम इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे y = 3। यहां पे लाइन बनानी है आपने 0, लोअर क्लासेस में आपने सीखा अच्छी तरह से 4, आगे लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। दिस इज -1 -2, यहां पे 3 है, तो ये हमारा कितना है y = 3। ये x एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, x एक्सिस है या y एक्सिस है, नो, ये सिर्फ एक सिंगल लाइन है, वन डायमेंशन वन वेरिएबल में। अब इन टू वेरिएबल्स में y = 3 को आप कैसे लिखेंगे, याद है अब x तो है नहीं इसमें, तो x नहीं है, x को शो करने के लिए 0 इंटू एक्स लिख दें आप, तो जीरो ही रहा ना, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। आपको पता है इससे क्या फर्क पड़ा, ये तो जीरो ही है, जीरो प्लस वाई वाई रहा, टू वेरिएबल्स में आ गया। अब इसका ग्राफ, वैसे आपको पता है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, बट हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया है y इज इक्वल टू 3, y 3 कहां पे होता है, 1 2 3, तो ये ग्राफ आ जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल आएगी लाइन, अभी बताया था मैंने, लेकिन हम इसके सॉल्यूशन निकाल के कि आपके मार्क्स ना कटें, हम इसके सॉल्यूशन की टेबल बना लेते हैं, पुट करने की जरूरत नहीं है, आप x को पुट करेंगे y को नहीं। देखिए यहां पे x लिखा, यहां पे y लिखा, y की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होंगी, क्योंकि x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो ये तो जीरो ही रहेगा। जैसे देखो x को मैंने 1 पुट किया, पुट x = 1, तो 0 * 1 + y = 3, तो ये तो जीरो ही रहा, तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई ना, तो x को आप कुछ भी पुट करें, x को मैंने 1 पुट किया, x को 0 पुट कर दो तब भी 3 आएगा, 1 पुट किया तब भी 3 आएगा, कुछ भी वैल्यू पुट करें इसके साथ, तो क्या है, जिसके साथ 0 है उसकी वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है। अब कुछ भी और वैल्यू ले लें आप, वट एवर कुछ भी वैल्यू, y हमेशा 3 आएगा, -2 तो 0 ही रहेगा, ये तो 3, और कुछ वैल्यू लेनी है ले सकते हैं आप। अब इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ये मेन है हमारा, 0 x एक्सिस लिखना जरूरी है, y एक्सिस, y डैश x डैश, 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, देखिए 0 3 0 3 यहां पे आएगा, 1 3, यानी कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी श्योर है y कोऑर्डिनेट सेम होगा, -2 3 -2 यहां पे है, -2 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1 3 है, और इसके क्या है 0 3, और इसके क्या है -2 3, तो इनको क्या करेंगे हम, एक लाइन स्केल से मिला देंगे इनको, ये हमारी लाइन आ गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ ए लाइन y = 3 इन टू वेरिएबल्स। इस तरह से इन टू वेरिएबल्स में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेम है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + y 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल्स। सेम है, पहले हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे पहले वहां पे तो x की वैल्यू थी ना, सॉरी y दिया हुआ था, y = 3 दिया हुआ था, तो यहां पे हम 2x = -9, तो दिस इंप्लाइज x = -9/2
x की वैल्यू कितनी आ गई -4.5। अब जैसे कि मैंने बोला है x इज इक्वल टू कुछ भी हो 2, 3, 4, तो किसके पैरेलल आएगी हमारी लाइंस, y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, पहले x एक्सिस के पैरेलल थी, y इज इक्वल टू है तो x एक्सिस के पैरेलल, और x इज इक्वल टू है तो y एक्सिस के पैरेलल, फर्स्ट इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, यानी कि x इज इक्वल टू, अब इसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो यहां पे वन टू माइनस में इधर, तो दोबारा लिख लेते हैं हम इसको, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव वन टू, तो माइनस 4.5 यहां पे आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 4.5, समझ आ गया ना ये। अब नेक्स्ट इन टू वेरिएबल्स, सेकेंड पार्ट है हमारा इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स में इसको हमने यहां से, हम यहां पे आ गए थे, हम इसको कन्वर्ट किया x इज इक्वल टू माइनस 4.5, तो अब टू वेरिएबल्स में आपने लिखना है क्या करेंगे हम, y तो है नहीं इसके अंदर, तो 0 इंटू वाई लिख देंगे हम, टू वेरिएबल्स में लिखना हमें 0 इंटू वाई, समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ हमें एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना है, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में जब इस इक्वेशन को हम कंसीडर करेंगे तो उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना है उसका। अब इसका सॉल्यूशन टेबल बना लेते हैं हम, देखिए y के साथ 0 है, y की वैल्यू पुट करेंगे आप, कुछ भी पुट कर लें, 0 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, -2 पुट कर लें, कुछ भी, ये तो 0 ही रहेगा ना, आप पुट करके देख लो वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी -4.5 -4.5 -4.5, और भी कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू के लिए हमारी कुछ भी पुट करें, क्योंकि ये तो 0 ही है, y की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, x की नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना। This is zero, one, two, three. X-axis, y-axis, y dash, x dash. Minus one, minus two, minus three, minus four, minus five. One, two, three, four, five. One. देखिए -4.5 एंड 0, -4.5 यहां पे है, आपको पता है y 0 x एक्सिस पर होता है, यहां पे आ गया पॉइंट, यहां पे क्या आ गया -4.5 एंड 0, इसको यहां पे लिख देते हैं, ये पॉइंट आ गया -4.5 एंड 0, दूसरा क्या -4.5 एंड 2, 2 हमारा यहां पे है और -4.5 यहां पे, तो यहां पे आया हमारा ये पॉइंट, देखिए इसको हम अलग से ये लिख देते हैं हम -4.5 एंड 0, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारा -4.5 एंड 2, इसको हम यहां पे लिख देते हैं -4.5 एंड 2, -4.5 एंड -2, -2 नीचे की तरफ है, यहां पे सेटिंग ही नहीं हो रही इसकी, तो यहां पे माइनस पहले पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, -4.5 एंड 2 यहां पे आ गया। अब इन तीनों को मिलाएंगे हम, तीनों को मिलाने से ये ग्राफ आ गया मेरा, जो किसका ग्राफ है x इज इक्वल टू -4.5 का। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स -4.5 एंड -2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -4.5, यहां पे एरो लगा देते हैं -4.5 एंड 0, तो इस तरह से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं हम, इस ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.4 थी हमारी, एग्जाम्पल नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर एक ही एग्जाम्पल है हमारा जो कि इंपोर्टेंट है, सॉल्व द इक्वेशन 2x+1 इज इक्वल टू x-3 एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड कार्टेशियन प्लेन। सेम है, पहले उस
इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन, नंबर लाइन का मतलब इन वन वेरिएबल सिंगल लाइन पे वन डायमेंशन में, और कार्टेशियन प्लेन का मतलब है एक्स वाई प्लेन में, यानी कि टू वेरिएबल्स में सेम है, कार्टेशियन प्लेन में बोला हुआ है यहाँ पे। तो पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे, 2x plus 1 is equal to x minus 3, तो क्या आ जाएगा 2x minus x, इधर आएगा तो x minus का हो जाएगा 3, ये minus का था इधर, उधर गया 1 minus का हो गया, x is equal to minus 4, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब वही सेम थिंग है ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे x is equal to 4 minus 4, तो नंबर लाइन पे x is equal to minus 4 है 0 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो एक्स इज टू माइनस फोर, यह आ गया इसका ग्राफ। अब क्या करना है हमें, रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट कर दिया। अब सेकंड है हमारा, इसको यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, एक्स इज टू माइनस फोर जो सॉल्यूशन आया है उसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको टू वेरिएबल्स में लिखेंगे, कैसे, x प्लस जीरो इंटो वाई करके, समझ आ गया। और इसका क्या बना लेंगे, अब सॉल्यूशन का डिब्बा बना लेंगे, यानी कि टेबल बना लेंगे हम सॉल्यूशंस की। श्योर है y को पुट करेंगे, कुछ भी पुट करेंगे, जीरो टू माइनस वन कुछ भी, x की वैल्यू वही आएगी, डायरेक्ट ये सॉल्यूशन की टेबल बना दे, पुट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, पुट करके दिखाना है दिखा दो, सोल्यूशन निकाल लो आप दो या तीन। यहां पे लिखेंगे x एक्सिस सिमिलरली जैसे पहले किया था, x डैश y y डैश, दिस इज द ओरिजिन जहां पे कट करती हैं, और दिस इज वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस फोर जीरो यहां पे आएगा, माइनस फोर जीरो यहां पे आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस फोर जीरो, माइनस फोर टू, टू यहां पे है माइनस फोर टू, और माइनस फोर माइनस वन, माइनस वन हमारा ये है, यहां पे आ गया माइनस फोर माइनस वन, और ये यहां पे, तीनों को क्या करेंगे मिला देंगे, मिलाने से जो स्ट्रेट लाइन आई इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है माइनस फोर माइनस वन, मिलाने से जो लाइन आई दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। यही हमने टू डायमेंशन में या हमें कार्टेशियन प्लेन में इसका ग्राफ ड्रॉ करना था।